अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। और आज की वीडियो में मैं कुछ आपको नया सा दिखाऊंगी, और जिसका दिल करे वो देखें, जिसका ना करे वो ना देखें, क्योंकि मैं ये नया काम कर रही हूँ आज अपनी वीडियो में। देख लीजिए, मछलियाँ छा रही हूँ, और मैंने पहली बार ये काम किया है अपनी ज़िंदगी में। बहुत टाइम हो गया शादी को भी, लेकिन पहली बार किया था। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हैं, धो भी ली हैं और बना भी ली हैं। बहुत मुश्किल से बनाई हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। पहली बार किया है मैंने ये काम। ये नखून सारे ऐसे हो गए हैं और ये दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये मछली खुद से बनाई है, और मतलब बेडर होकर मुझे डर लगता था इनसे, लेकिन आज मैंने ये कर दिया काम। अब मैं इनको ना तल के रख देती हूँ। डाल दिया है और ये गर्म हो चुका है अच्छे से, तो मैं इसमें ये हो चुके हैं, हल्दी में निकाल देते हैं। इस तरीके से मुझे सब फ्राई करनी है। फ्राई कर ली है, अब इसको मैं बनाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आपको किस तरीके से बनाती हूँ। आज मैं मछली बना रही हूँ, तो पहले ये है लहसुन, और ये एक छोटा सा प्याज लिया है मैंने, मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको कट करके डाल दूँगी मैं इसमें, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगी मैं, और ना ही ज़्यादा मतलब मसाले वसाले ऐड करने की ज़रूरत है इसमें। अब डाल दूंगी मैं इसमें हसबे जायका मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी ऐड करूंगी हल्दी, दो चम्मच ऐड करूंगी धनिया, दो तीन चम्मच हो गए, सब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। मेरा ऑयल था ना वो गर्म हो चुका है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाला। थोड़ा थोड़ा डालना है, कभी अपने आप को जला मत देना। मैं तो पहले थोड़ा सा डालती हूँ, और गैस को कर देती हूँ स्लो। अब करूँगी मैं हाई फ्लेम को, अब इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी मसाले को। क्योंकि तो जलने का भी डर रहता है ना, हाई तो करते हैं तो एकदम तेल ना ऊपर आता है, तो मैं हाई नहीं करती हूँ, तो कर देती हूँ बिल्कुल। और दो डाल दूँगी इसमें तेज पत्ता। अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी, आपको पास से दिखा देती हूँ। इस तरीके से उसे मसाले को ना मैं अच्छे से फ्राई करूँगी पहले, जब तक ये अच्छे से भुनेगा नहीं तब तक इसे पकाती रहूँगी। फिर दिखाती हूँ आपको उसके बाद किस तरीके का मसाला तैयार करूँगी मैं। मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप सभी देख लीजिए, ये इस तरीके से हो चुका है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा डालूँगी बड़ा मसाला, जो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ अपने, इतना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है। और मैं इसको ना अच्छे से पका लूँगी थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं,
जो मैंने मछली फ्राई की थी, अब मैं उस मछली को भी इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ी देर ऐसे मसाले में उसको पकाऊंगी, फिर मैं ऐड कर दूंगी इसमें पानी, जितनी मुझको ग्रेवी चाहिएगी इतनी पानी ऐड कर दूंगी। चलिए अच्छे से हो चुका है, मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। इसमें ना थोड़ा शोरबा टाइप का चाहिए ना, इस वाली मछली में शोरबा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा पानी ना एक ग्लास ऐड कर दिया मैंने इसमें पूरा। अब मैं इसमें ना खोल आने का इंतज़ार करती हूँ, ये खोल जाएगा अच्छे से ना, पक जाएगा मतलब पानी, फिर दिखाती हूँ मैं इसका लुक आप लोगों को। अब ये अच्छे से पक चुका है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरा धनिया, और अब मैं इसकी फ्लेम जो है बंद कर देती हूँ गैस अपना, और मैं दिखाती हूँ मैं आपको किस टाइप का हुआ इसका फाइनल लुक, लुक इसका मछली का कितना प्यारा लुक आया है ना। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी, और ये मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने आप से बना के और अपने आप से बनाई है, मतलब जिंदी मछली थी ना, जिंदा थी वो, मरी भी नहीं थी वो, जो होती है ना वो नहीं थी, ये जिंदी थी ना, सोली मछली है ये। और अब मैं बना लेती हूँ इधर रोटी, अब आपको दिखाती हूँ मैं रोटी बनाऊंगी मैं, अब क्योंकि मछली भी तैयार हो चुकी है और आटा मैंने लगा लिया था, जब मेरी मछली तैयार हो रही थी आटा लगा लिया था, तो आप सभी को अब रोटी दिखाऊंगी मैं। रोटी बनाते हुए ना मैं पूरी दिख रही, तो मैंने सोचा मैं क्या स्टिकर लगा देती हूँ, क्योंकि मैं इस जो मेरा चैनल है इसको मैं आना नहीं चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये इमोजी लगाई। आप सबको जैसा भी लगे आप इग्नोर करना ये चीज़, और आपको हाथ तो दिख ही रहे हैं, हाथों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना इस वाले चैनल पर, मैंने ऑलरेडी ओल्ड वाला जो चैनल है ना उस पर दिखा रखा है। मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, बहुत अच्छे से बन रही है रोटी, आप सब भी आ जाइए और खा लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो किस टाइप का बनाएं, तभी पता भी चलेगा ना कि किस टाइप का वीडियो हमारी जो फैमिली है वो देखना चाहती है। आज की वीडियो में तो मैंने नया काम ही दिखाया है, क्योंकि मेरे लिए तो नया था, तो आपके लिए भी शायद नया ही होगा। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना सभी, अगली वीडियो का करना इंतज़ार।